हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हरिओम मिंट ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए फिर से एक ब्लॉग लेकर आया हूं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन रेलवे स्टेशन का। तो देर ना करते हुए ब्लॉग करता हूं शुरू। दोस्तों, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो रेलवे स्टेशन का पिछला हिस्सा नज़र आ रहा है। इसमें दो गेट हैं, एक आगे की साइड से एंट्री है और एक पीछे की साइड से। तो अभी ये कोरोना के समय बंद थी, अब ये चालू हो गई है। तो अभी यहाँ से पीछे की साइड से एंट्री मैं लेता हूँ, चलता हूँ और देखता हूँ कि अभी टिकट वगैरह कहाँ पर मिलते हैं। तो ये जो सामने दिख रहा है वो टिकट काउंटर है और यहीं पर वेटिंग है, यहीं वेटिंग की कुर्सियाँ डली हैं, अपन वेट कर सकते हैं। वेटिंग रूम यहीं पर बना हुआ है। तो ये सामने यहाँ पर टिकट है, आरक्षित अनारक्षित टिकट यहाँ से ले सकते हैं। और टिकट लेने के बाद फिर इसमें से यहाँ से एंट्री मिलती है। इसमें से एंट्री जैसे ही मिलेगी तो ये सामने लास्ट वाला प्लेटफॉर्म नज़र आएगा। ये सबसे लास्ट पिछला प्लेटफॉर्म है और यहीं से ये ब्रिज गया है सामने। उस ब्रिज से चलते हुए एक नंबर प्लेटफॉर्म की साइड पहुँच जाएंगे। चलते हैं पुल के ऊपर से। ये जो पुल है, पुल प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 के लिए है, पर मेरी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 पर आएगी। तो अभी काफ़ी टाइम है ट्रेन आने में, तब तक हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से सब दिखा भी देते हैं। ये स्टेशन जो है वो काफ़ी फेमस स्टेशन है, क्योंकि ये स्टेशन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बना हुआ है। तो बाबा महाकाल तो बताते हैं कालों के काल बाबा महाकाल, तो उनकी नगरी में ये बना हुआ है। यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है और उस कुंभ के मेले में इतनी संख्या में भीड़ होती है कि यहाँ पर ट्रेन जो आती हैं वो एकदम ठसाठस भर के जाती हैं। तो यहाँ पर इतनी अधिक भीड़ रहती है कि स्टेशन पे घुसना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जब कुंभ का मेला होता है उस समय अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाती हैं, फ्री चलाई जाती हैं। तो यात्री आते हैं, बैठते हुए जाते हैं। तो ये स्टेशन काफ़ी चर्चित स्टेशन है, आपको देखना चाहिए। ये चलते हैं आगे की साइड, देखते हैं कि और कैसा क्या नज़ारा है उज्जैन रेलवे स्टेशन का। तो ये जो साइड में सीढ़ियाँ थीं वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 4 के लिए थीं। अब आगे देखते हैं, यहाँ ये वाली, ये 4 और 5 के लिए सीढ़ियाँ गई हैं। तो आगे देखते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म है और किस प्लेटफॉर्म के लिए सीढ़ियाँ गई हैं। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के लिए गई हैं। और जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और जो झंडा नज़र आ रहा है वो स्टेशन बाहर का है। दोस्तों, ये जो आपने देखा वो रात का नज़ारा था कि रात में किस तरीके का पुल या प्लेटफॉर्म नज़र आता है, पर अब हम दिखाने जाएंगे दिन का प्लेटफॉर्म कि दिन में प्लेटफॉर्म कुछ कैसा नज़र आता है। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, देख सकते हो किस टाइप का है। तो दिन में कुछ इस तरीके की रोशनी रहती है यहाँ पर, तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है। रात में बस लाइटिंग थी, लाइटिंग के कारण जितना जितना देखा, जितना नज़र आया उतना उस टाइप का लगा। तो देख सकते हो ये सामने जो आपको दिख रहा है वो दिन का है माहौल। आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि दिन में और रात में किस टाइप का अंतर है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ब्लॉग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में जो बेल आइकन होता है उसको दबा लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके।